कृष्णानगर बाराबिरवा से निकाली गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र से सामने आई है, जहां बाराबिरवा फिनिक्स मॉल के पास से भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा अवध नहरिया चौराहा आलमबाग होते हुए बरखा रामलीला ग्राउंड पहुंची, जहां टिकट 18 अक्टूबर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। थोड़ी देर में राम रावण युद्ध का शुरुआत होगी, जिसके बाद रावण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा। जैसा कि राजधानी लखनऊ के आलमबाग बरहा स्थित त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर में रामलीला चल रही है, 18 तारीख से यह रामलीला चल रही है और 26 को इसका समापन होना है। और आज प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकली है, साथ में पूरे राम दरबार के साथ हनुमान जी और रामलीला के जितने भी पात्र हैं अपने अपने रूप में रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, अंगद इत्यादि सभी पात्रों की झांकी इस जलसे में दर्शाई गई है। और इसी क्रम में कमेटी के अध्यक्ष रमेश कुमार लोधी जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। कार्यक्रम की आज की कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? आज कार्यक्रम की रूपरेखा यह है कि आज की शोभा यात्रा हमारी जो यहाँ फिनिक्स मॉल से उठती है, मान सौर व्यापार मंडल के द्वारा जो यहाँ से पूरा सहयोग करते हैं, पूरा नाश्ता जलपान की व्यवस्था करते हैं पूरी शोभा यात्रा के लिए। और यह मान सौर व्यापार मंडल जो है इस शोभा यात्रा को हम राम कुमार वर्मा ज्वेलर्स व्यापार मंडल इनके सहयोग द्वारा जो है रामलीला ग्राउंड तक जाएगी। फिर एक मतलब कहाँ कहाँ से होते हुए यह यात्रा निकलेगी? ये फिनिक्स मॉल से और आपका ये अवध होते हुए आलमबाग सिंगार नगर और टेढ़ी पुलिया होते हुए सीधा जो बरहा रेलवे कॉलोनी जाएगी रामलीला स्थल पर, फिर आज रामलीला का मंचन होगा। आज रामलीला का क्या दृश्य दिखाया जाएगा? आज राम रावण का वध कुंभकर्ण वध यही दशहरे मेले में कार्यक्रम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज रामलीला में कुंभकर्ण वध रावण वध का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में लोग वहां इंतजार कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की झांकी को देखने के लिए लोग सड़कों पर कतारबद्ध खड़े हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत।